बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ चौक के साइड के ऊपर लैस और पट्टी का डिज़ाइन करना बताऊंगी और बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। बहुत ज़्यादा फैशन में है, हमारे चौक्स होते हैं हम उनको सिंपल नहीं रखना चाहते, उसके ऊपर लैस और पट्टी किस तरह लगाएंगे वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने दो साइज़ की पट्टियाँ कट की हैं, बुकरम की, जो रेगुलर बुकरम होता है जिस पर हम अपने गले बनाते हैं, मैंने वो वाला बुकरम लिया है। ये पट्टी मैंने आधे इंच की कट की है, आधा इंच इसकी चौड़ाई ली है और एक पट्टी मैंने ली है एक इंच की। अब डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर कि आपने एक इंच की पट्टी यूज़ करनी है या आधे इंच की करनी है। मैं इसमें यूज़ करूँगी आधे इंच की पट्टी, आप एक इंच की पट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक इंच वाली पट्टी को हम साइड कर देंगे और हम लेंगे आधे इंच वाली पट्टी। और ये है लैस, लेस का हमें सिर्फ बीच का सेंटर नापना है, यानी कि इसका जो डिज़ाइन है, जो जाली बनी हुई है, हम सिर्फ उसको नापेंगे। तो ये भी आधे इंच का है, तो टोटल हमारा ये एक इंच बन जाएगा। अभी हमने अपनी शर्ट को कट नहीं करना, मैंने आपको इनकी साइजेस बता दी है, तो इन दोनों चीज़ों को फ़िलहाल हम साइड करेंगे और थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाऊँगी। मेरे पास शर्ट नहीं है, मैं आपको एक रफ़ पीस के ऊपर ये डिज़ाइन करना बता रही हूँ। हमने ये साइड की निशान लगाया है, यानी कि जो हमारी साइड की सिलाई होगी उसको मैंने ड्रॉ किया है। और मैंने एक इंच की पट्टी तैयार करनी है, तो हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे एक इंच का, मगर इससे पहले हम कट नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले पट्टी रेडी करेंगे लैस के साथ, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। मगर हमारी साइड की सिलाई कुछ इस तरह की दिखाई देगी। ये है चौक जहाँ पर मैंने निशान लगाया है, ये है फिटिंग की सिलाई, इसी के बीच में हमें इस डिज़ाइन को फिल करना है। तो फिलहाल इसे कट नहीं करेंगे, हमने इसको करना है साइड। हम पहले रेडी करेंगे लैस और पट्टी। तो एक साइड की पट्टी मैंने रेडी कर ली है, इसी तरह सेम मैं ये वाली पट्टी भी रेडी करूँगी। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने अंदर की साइड छुपा दिया है और चौड़ाई इसकी आधा इंच रखी है और लंबाई अपने साइज़ के मुताबिक रखेंगे। तो दोनों पट्टियाँ मैंने रेडी कर दी हैं। अब जो इसका खुला हुआ साइड है, इसके अंदर लैस का ये पार्ट हम दबाएँगे जो लैस हमारी सिलाई में जाएगा। तो चॉक्स की दोनों पट्टियों के ऊपर मैंने लैस लगा ली है। अब इसे हम मेजरमेंट करेंगे कि हमारी पट्टी की चौड़ाई कितनी रेडी हुई है। तो हमारी जो टोटल पट्टी की चौड़ाई है वो एक इंच तैयार हुई है, आधा इंच लैस का और आधा इंच सिंपल पट्टी का। अब कट करेंगे अपनी शर्ट को। अब हमें पता चल गया है कि हमारी जो पट्टी है वो एक इंच की है, कम या ज़्यादा नहीं है। उससे पहले आपने अपनी शर्ट को कट नहीं करना। अब इसे हम साइड कर देंगे। अब जो खुली वाली साइड है हमारी, इस पर हम निशान लगाएंगे एक इंच का। हम क्रॉस में कट करेंगे, तो हमने जो निशान लगाया है हम इसके ऊपर कट नहीं करेंगे, कट हम करेंगे सिलाई में, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। अब हमने यहाँ पर कट लगाना है। अब इन दोनों पट्टियों को एक साथ हम मोड़ेंगे।
दोनों चॉक्स के ऊपर मैंने पट्टियाँ लगा ली हैं और आप सफाई इसकी देखें कितनी सफाई के साथ मैंने पट्टी और लेस लगाई है। अब हमने अपने साइड को अटैच करना है और साइड को अटैच करते वक्त बहुत ही नफासत के साथ करना है। अगर आपकी पट्टी या लेस आगे पीछे होगी तो आपकी साइड की सारी लुक आउट हो जाएगी। अब इसी निशान के ऊपर हम स्लाइड लगाएंगे जो हमारा साइड का निशान होगा, फिटिंग का निशान। स्टार्ट में थोड़ा सा पक्का करेंगे। तो हमारा साइड कुछ इस तरह आएगा और हमने इसको तिकोन शेप में रखा है, ट्रायंगल शेप में। अब यहाँ से हमने थोड़ा सा इसे कच्चे टाकों से पक्का करना है ताकि हमारा साइड खुले नहीं। अब हमने निडल में दो तह का धागा डालना है। अब हमने अपने चॉक्स को इस तरह पलटना है और तकरीबन जो हमने साइड की सिलाई लगाई थी उससे आधा इंच नीचे की साइड पर हमने इस पर टाके लगाने हैं। और टाके हम इस तरह लगाएंगे कि हमारा टाका ऊपर की साइड पर नहीं आए, सिर्फ नीचे वाली साइड पर हमारा टाका आएगा। हमने नीचे से इसे मजबूत करना है, ऊपर से टाके बिल्कुल भी शो नहीं होने चाहिए। अगर टाके शो होंगे तो आपकी सारी फिनिशिंग आउट हो जाएगी और ऐसा करना ज़रूरी है, इससे आपकी जो साइड की सिलाई है वो खुलेगी नहीं और जब आप शर्ट पहनेंगे तो साइड पे ये डिज़ाइन जो है आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मगर ये हमारे काम का हिस्सा होती हैं। अगर इन्हें हम नज़रअंदाज करेंगे तो शायद वो खूबसूरती, वो सफाई नहीं आए जो हमें चाहिए। तो आधा इंच पर मैंने इसे पक्का कर लिया है। अब जो साइड की सिलाई है इससे हम इस तरह पलट लेंगे। जितना अपने काम को खूबसूरत करेंगे आपके काम में उतने ही चार चांद लगेंगे। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मगर इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब इन्हें इसे भी पक्का कर देंगे इस तरह, जिस तरह हम अपने स्लीव्स को पक्का करते हैं आगे की साइड से। तो मैंने दोनों चीज़ों को पक्का कर दिया है। अब इसकी ऊपर से लुक कुछ इस तरह की होगी जो आपके सामने है, माशाल्लाह। तो हमारे साइड की लुक कुछ इस तरह की होगी, आपके सामने है कितनी खूबसूरती के साथ मैंने इसे रेडी किया है और कितनी सफाई के साथ मैंने तैयार किया है। कहीं कोई झोल नहीं है। अच्छा, इसको मैंने तिकोन में बनाया है। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे या मेरे पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं तो हम इसे स्क्वायर में भी बनाना सीखेंगे कि स्क्वायर में किस तरह बनेगा, ये ट्राइंगल वाली शेप नहीं आएगी। तो ये है वो पट्टियाँ, इसमें बहुत ज़्यादा मेरे पास आइडियाज़ हैं, आप सबकी राय जानूंगी। अगर आपके कमेंट्स ज़्यादा होंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सिखा दूँगी। और ये देखें, इसको जब हम इस तरह पलट करेंगे तो साइड की सिलाई कुछ इस तरह की हमारी दिखाई देगी और बहुत ज़्यादा फैशन में है, कुर्ते में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सिंपल ड्रेस के ऊपर तो बहुत ज़्यादा औसम लगते हैं। और मैंने आपको बहुत ही आसान करके सिखाया है। कई लोग ऐसे होते हैं कि उलझा देते हैं, समझ नहीं आता कि साइड का डिज़ाइन हम किस तरह रेडी करेंगे। तो मैंने आपको बहुत सिंपल सिंपल करके बताया है ताकि जो मेरे बनाने वाले हैं वो उलझे नहीं। मेरे पास रफ़ कपड़ा था, आप अपनी शर्ट पर बनाएंगे तो इसी तरह आपकी साइड की सिलाई आएगी। तो ये देखें, नीचे से भी बहुत ज़्यादा सफाई है। आपके पास ओवर लॉक कर लें इसको, फिनिशिंग पट्टी लगा दें, मज़ीद जितना खूबसूरत कर सकते हैं कर लें, मगर इसकी साइड की सिलाई ये आएगी। इसमें दोनों जगह झोल नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने इसके आगे बुकरम लगाया है। बुकरम से हमारी पट्टचाक थोड़ा सा थिक भी हो गया है और इसके अंदर झोल भी नहीं आया। उम्मीद करूंगी आपको आज की वीडियो, आज का डिज़ाइन पसंद आया हो। अच्छा लगा हो तो आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम को लाजमी फॉलो करना। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट आइडियाज़ के साथ। उससे पहले आपने मुझे बताना है कि आप लोग क्या सीखना चाहते हैं, चॉक्स के डिज़ाइन, गले के डिज़ाइन, ट्राउज़र के या स्लीव्स के। आपके ऊपर मैंने छोड़ा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।